हमारे लिए यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि 2023 में जब इंदौर मेट्रो की शुरुआत हो जाएगी तो रिगल टॉकीज से लेकर राजबाड़े तक मेट्रो कैसे जाएगी और उसका रूट क्या होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिगल चौराहे से लेकर शास्त्री ब्रिज को मेट्रो कैसे पार करेगी। जो प्रोजेक्ट में बताया गया है उसके अनुसार रिगल चौराहे से शास्त्री ब्रिज के समानांतर मेट्रो चलेगी, यानी ब्रिज के ऊपर समानांतर रूप से मेट्रो का परिचालन होगा। इसके पश्चात मेट्रो जिला कोर्ट परिसर यानी कोठारी मार्केट के पहले का चौराहा, जिला कोर्ट परिसर और कमिश्नर कार्यालय के वहाँ अंडरग्राउंड हो जाएगी। यहाँ उसका एक अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा जहाँ से मेट्रो अंडरग्राउंड हो जाएगी और अंडरग्राउंड होने के बाद मेट्रो फिर यहाँ से सीधे राजबाड़े तक भूमिगत रहेगी, यानी उसके सारे स्टेशन भूमिगत रहेंगे, उसका परिचालन पूरी तरह से भूमिगत होगा। जमीन के अंदर मेट्रो चलेगी और फिर राजबाड़े पर निकलेगी। राजबाड़े से आगे फिर स्काई बन जाएगी, यानी फिर से वो फ्लाईओवर पर चली जाएगी। तो हमारे लिए ये जानना बेहद दिलचस्प है क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि शास्त्री ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन है और शास्त्री ब्रिज ऊपर है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि मेट्रो को यहाँ पर कैसे लाया जाए, यानी मेट्रो को यहाँ पार कैसे कराया जाए। मेट्रो जब यहाँ पर आएगी पलासिया चौराहे से लेकर तो ये स्काई रहेगी, यानी केबल पर चलेगी और इसका टावर रहेगा जिस तरह से फ्लाईओवर का टावर होता है, उस तरह से टावर पर चलती चलती ये ट्रेन शास्त्री ब्रिज के समानांतर हो जाएगी। शास्त्री ब्रिज से फिर जैसे ही यह शास्त्री ब्रिज पार करेगी और गांधी हाल के आगे बढ़कर यह भूमिगत स्टेशन भूमिगत हो जाएगी, भूमिगत होकर सीधे फिर राजबाड़े पर निकलेगी। तो बेहद दिलचस्प है इंदौर में मेट्रो का सफ़र। देखना यही है कि 2023 तक मेट्रो का लक्ष्य पूरा होता है या नहीं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.